एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर ओएस एंड जीयूआई अब हम डिस्कस करेंगे आज व्हाट इज ओएस एंड व्हाट इज जीयूआई। सबसे पहले हम देखो पिक करने वाले हैं अपना पहला टॉपिक आज के सेशन का विच इज ओएस। आप देखो मैंने यहाँ लिख रखा है ओएस। ओएस स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। हम ओएस की फुल फॉर्म क्या होती है? ओएस स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वर्ड से आप वैसे ही फैमिलियर होगे, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई नई चीज़ नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसको बोलते हैं? ओएस को बोलते हैं। क्या डेफिनेशन होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की? इट इज़ अ इंटरफेस। मैंने वर्ड यूज किया है इंटरफेस। देखो इंटरफेस का मतलब क्या होता है? इंटरफेस का मतलब होता है द वे और मेथड बाय विच यूजर इंटरैक्ट विद द एप्लीकेशन। यूजर मतलब कौन लोग होते हैं? हम हैं। अगर हम कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो हम कौन हो जाएंगे? यूज़र। इफ़ आई एम यूजिंग अ कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल फ़ोन और एनी अदर रोबोटिक डिवाइस तो उस केस में मैं क्या होंगे? यूज़र होंगे। तो द वे का मतलब क्या हो गया? द मेथड और टेक्निक जो मैं यूज़ कर रही हूँ टू इंटरेक्ट करने के लिए किसके साथ में? किसी भी एप्लीकेशन के साथ में। अभी एप्लीकेशन क्या होती हैं? मान लो आप कंप्यूटर में पेंट कर रहे हो तो पेंट क्या हो जाएगी? एक एप्लीकेशन हो जाएगी। अगर आप गेम खेल रहे हो तो वो गेम क्या हो जाएगा? एक एप्लीकेशन हो जाएगी। आप अगर मान लो MS Word पे कुछ टाइपिंग कर रहे हो, मूवी देख रहे हो, VLC मीडिया प्लेयर में सॉन्ग्स प्ले कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? एप्लीकेशंस होती हैं। तो द वे और मेथड बाय विच द यूज़र इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन, वो मेथड जिससे यूज़र किससे इंटरेक्ट करता है? एप्लीकेशन से, उसी को हम बोलते हैं इंटरफेस। दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। अब आते हैं, अब अगर मुझे लग रहा है कि आपको शायद इंटरफेस वर्ड का मतलब अब क्लियर हो गया होगा कि ये वो तरीका होता है जिससे यूज़र किसी एप्लीकेशन को यूज़ करता है। तो अब हम अपनी डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इंटरफेस होता है बिटवीन। किसके बीच का? बिटवीन। देखो आपको पता है बिटवीन हम तब लगाते हैं जब दो लोगों की बात हो रही हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक मीडिएटर की तरह वर्क करता है, मिडिल मैन की तरह वर्क करता है बिटवीन दो लोगों के बीच में। एक होता है हार्डवेयर और एक होता है यूजर। हार्डवेयर क्या होता है? हमने क्लास 6-7 कंप्यूटर में पढ़ा होगा व्हाट इज हार्डवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। तो पढ़ाया जाता है कि सॉफ्टवेयर आर द सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड हार्डवेयर क्या होता है? द पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस और कुछ जॉयस्टिक हो सकती है या फिर आपकी USB ड्राइव हो सकती है, वो सब क्या होता है? वो हार्डवेयर होता है। या फिर जिसको आप टच कर सकते हो वो डिवाइस जो कंप्यूटर से भी अटैच्ड हो और जिसको आप टच कर सकते हो जो टेंजिबल है, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। और यूज़र तो मैंने भी आपको बताया जो कंप्यूटर एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है। इफ़ आई एम यूजिंग अ कंप्यूटर तो मैं क्या हो जाऊँगी? यूज़र हो जाऊँगी। तो अब हम अपनी डेफिनेशन को बाइंड अप करने की कोशिश करते हैं कि वॉट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ों को कंबाइन करके, इतनी सारी टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी को समझ के हमें समझ में आया व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ इंटरफेस। एक इंटरफेस होता है बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। किसके बीच का इंटरफेस होता है? यूजर और हार्डवेयर का। मैं एक बार और रिपीट करती हूँ डेफिनेशन। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर और हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस होता है, उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो आप भी फैमिलियर हो एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 1, सबको पता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। अच्छा, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आ सकते हैं? तो बहुत सारे हैं, जैसे विंडो 7 जो हम यूज़ भी करते हैं, विंडो 8, विंडो 10 जो अभी लेटेस्ट चल भी रहा है, इसके अलावा प्रीवियस विंडो XP जो बहुत पहले हम यूज़ करते थे। तो ये सारे किसके टाइप्स हैं? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के। अगर आप एग्ज़ाम में एग्जाम्पल लिखने वाले हो तो आप ये गलती मत करना कि हम इन चारों को चार एग्जाम्पल बना के लिख दो। एग्जाम्पल नंबर 1 ही रहेगा ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये सारे एग्जाम्पल्स कवर हो जाएंगे। अच्छा, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम बहुत यूज़ करते हैं और शायद डेली यूज़ करते हैं, दैट इज़ यहाँ लिख देती हूँ मैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। हम जो अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कौन सा होता है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको पता है कि जो मोबाइल फ़ोन्स में सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। यही रीज़न है कि हम अपने फ़ोन को एंड्रॉयड फ़ोन बोलते हैं, क्योंकि उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम।
कि लेटेस्ट विंडो का जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो विंडो 10 है. विंडो 10 इज द लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. तो क्या आप बता सकते हो कि एंड्रॉयड का करेंट सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है? अगर आप आज मार्केट में कोई फ़ोन लेने जाओ तो अगर आपका फ़ोन लेटेस्ट है तो उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा? लेट अस टेक अ टाइम गैप, एक मिनट आप सोच के बता सकते हो कि एंड्रॉयड का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है. नहीं पता तो सुन लो, इस टाइम पे मार्केट में जो चल रहे होंगे वो होगा पाई, पाई के बाद आया था ओरियो, ओरियो के बाद आया था नोट. तो पाई, ओरियो एंड करंट कौन सा चल रहा है? नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम. लेकिन अगर आप फोन लेने जाओगे तो आपको नॉट नहीं मिलेगा, इस टाइम पे जो अवेलेबल होगा वो पाई ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर इफ यू आर लकी तो आपको ओरियो भी मिल सकता है. तो ये किसका एग्जांपल है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है ये सारे पाई, ओरियो. एग्जाम में अगर आता है तो आपको पाई नहीं लिखना, यू विल राइट डाउन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम. तो मैंने आपको दो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल बता दिए, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम. अच्छा, इसके अलावा अगर आपको पता हो तो आप आईफोन के बारे में सब जानते हैं. आईफोन कॉस्टली होता है बहुत. आईफोन एप्पल कंपनी निकालती है, एप्पल का लोगो भी लगा होता है पीछे. बट क्या आपको पता है कि आईफोन के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? तो देखो, एप्पल कंपनी का जो आईफोन या टैबलेट अगर आप मार्केट से परचेस करते हो तो उसमें ना तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ना एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा. दैट विल हैव मैक ऑपरेटिंग सिस्टम. उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम. तो हमने यहाँ से तीन ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम याद कर लिए, और ऐसे याद करें कि क्योंकि हम यूज़ भी करते हैं. अगर आपके पास बहुत पैसे और आप एप्पल का आईफोन लेने वाले हो तो आपको मिलेगा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम. इफ़ यू आर परचेजिंग एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपके पास एंड्रॉयड का फ़ोन है तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डालना चाहते हो जो ईजी टू यूज़ हो तो आप डाल सकते हो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम. अच्छा, इन तीन ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा चार या पाँच दो और ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम मैं आपको बता देती हूँ. लाइनक्स जो कंपनीज यूज़ करती है काम करने के लिए, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये भी आपके क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जाम्पल. तो हमने यहाँ से क्या सीखा? हमने यहाँ से दो चीज़ें कवर करी पूरी इस सेशन में. अभी तक हमने कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ी अभी तक, बट हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट बात कवर अप कर ली कि वॉट इज OS. तो OS स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्वेश्चन नंबर वन. क्वेश्चन नंबर टू, वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ OS? OS होता क्या है? तो OS स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज़ एन इंटरफेस. ये इंटरफेस होता है किसके बीच का? बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर. यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी बना रखा है आपको समझाने के लिए कि बीच में कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम. कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? अब तो हम बहुत कुछ जान चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में. तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो सकता है. ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है, एंड्रॉयड भी हो सकता है, यूनिक्स हो सकता है, लाइनक्स हो सकता है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर. यूजर और हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस होता है. अभी हमने बताया था व्हाट इज इंटरफेस. इंटरफेस का मतलब होता है द वे यूजर इंटरेक्ट विद एनी एप्लीकेशन. फटाफट से क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OS? तो हम लिखेंगे आंसर, OS स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम. क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ OS? तो क्या बताया था? OS स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हमें लिखना ही पड़ेगा. इट इज एन इंटरफेस बिटवीन, किसके बीच का इंटरफेस होता है? बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर. फिर नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये पांच एग्जाम्पल में से कोई भी दो या तीन हम एग्जाम्पल लिख सकते हो. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत फेमस है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, और लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? नोगट. ठीक है, NOGAT, नोगट इज द लेटेस्ट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम. लाइनक्स, यूनिक्स वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंपनीज में यूज है, पर एग्जाम्पल में तो आप लिख ही सकते हो. और मैक OS तो आपको याद रहेगा क्योंकि एप्पल के आईफोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम. तो यहाँ से कोई भी एग्जाम्पल आप उठा के अपने एग्जाम में लिख सकते हो. ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. अभी को हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये करता है, बट एक्चुअल में व्हाट फंक्शंस आर टू बी परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. तो आप देखो, मैंने यहाँ पे कुछ हेडिंग्स बना लिए. ये हेडिंग आपकी बुक में नहीं है, बट ये हेडिंग्स आपको हेल्प आउट करेंगी याद रखने के लिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है. तो आप देखो, फर्स्ट हेडिंग है प्रोसेस मैनेजमेंट. अब ये प्रोसेस क्या होता है? मान लो आपने एक कमांड दी कि मुझे एक सॉन्ग प्ले करना है, तो वो एक प्रोसेस हो गया. फिर आपने सेम टाइम पे कमांड दे दी किसी पेन ड्राइव को लगा के किसी चीज़ को कॉपी करने के लिए, वो दूसरा काम आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिया. फिर तुरंत आपने क्या किया? साथ में कंट्रोल पैनल खोल के कीबोर्ड की सेटिंग्स करने लगे. वो तीसरा काम आपने कंट्रोल पैनल से
मैनेजमेंट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड करा दिया। अब क्या होगा, कौन से काम को पहले करना है, कौन से काम को बाद में करना है, व्हाट प्रोसेस इज टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट और व्हाट प्रोसेस इज टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन सेकंड नंबर, तो वो मैनेजमेंट का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। किस तरीके से आप अपने टास्क को परफॉर्म करोगे, कौन से प्रोसेस को पहले करोगे, कौन से प्रोसेस को बाद में करोगे, जिससे कि यूजर का टाइम सेव हो जाए, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस मैनेजमेंट। तो प्रोसेस को मैनेज करने का काम भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फिर सेकंड वन इज मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी आपको पता है, डेट इज अ लोकेशन एट विच वी स्टोर डेटा, जहाँ पे हम किसको स्टोर करते हैं, डेटा को। मेमोरी के टाइप्स भी बताऊंगे, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी के अंदर कौन आता है, रैम आती है, ठीक है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, इसके अलावा प्राइमरी मेमोरी आप बोल सकते हो, प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर सबसे नंबर वन पे कौन आता है, मेन मेमोरी विच इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी मेमोरी प्राइमरी के अंदर आती है रीड ओनली मेमोरी। इसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है, जितनी भी हार्ड डिस्क आप लगा रहे हो, पेन ड्राइव आप यूज़ कर रहे हो, यूएसबी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो, तो जो बाहर से आप अटैच करोगे वो सेकेंडरी डिवाइस के अंदर कैलकुलेट हो जाएगा। तो मेमोरी मैनेजमेंट का काम क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट का काम मतलब कौन सी मेमोरी, जैसे आपने मान लो अपना प्रोग्राम रन करने के लिए या फिर किसी और टास्क के लिए आपने पेन ड्राइव लगा के डेटा को कॉपी किया, तो वो डेटा जब कॉपी हो रहा होगा तो उस डेटा को कॉपी करने के लिए मेमोरी को एलोकेट, एलोकेट करने का मतलब क्या होता है, मेमोरी प्रोवाइड कराना। तो उस टाइम पे उस डेटा के लिए मेमोरी एलोकेट करने का काम कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। या फिर आपने क्या किया, अपने सिस्टम में से कुछ फाइल्स को डिलीट कर दिया, जब आप फाइल्स को डिलीट करोगे तो वो फाइल्स ऑटोमेटिकली जब डिलीट हो जाएंगी तो वो मेमोरी स्पेस क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, उसे बोलते हैं डीएलोकेट। डीएलोकेट का मतलब क्या होता है, मेमोरी को रिलीज करना, एलोकेट का मतलब होता है मेमोरी को ऑक्यूपाई करना। तो कौन सी मेमोरी को ऑक्यूपाई करना है, कौन सी मेमोरी को एलोकेट करना है, किसको डीएलोकेट करना है, ये काम भी कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो हम बोल सकते हैं व्हाट टाइप विच टाइप ऑफ मेमोरीज टू बी एलोकेट एंड डीएलोकेट दिस टास्क इज परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमने दो चीज़ें पढ़ ली, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट। व्हाट इज प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूट। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब होता है द मेमोरी यूज बाय एंड रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब क्या होगा, देखो रिसोर्स का मतलब होता है जैसे आपके कंप्यूटर सिस्टम में अगर कोई पेन ड्राइव लगी हुई है तो वो रिसोर्स है, अगर कोई कीबोर्ड लगा हुआ है तो वो रिसोर्स है, कोई साथ में आपने माउस लगा रखा है तो वो भी क्या होगा, रिसोर्स होगा। तो रिसोर्स को मेमोरी एलोकेट और डी एलोकेट करने का काम कौन करता है, मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन का काम कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। थर्ड वाला पॉइंट रही है रिसोर्स, रिसोर्स का मैंने आपको बताया था माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सब क्या होते हैं, रिसोर्स होते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब कौन सा रिसोर्स पहले एग्जीक्यूट करेगा अपने टास्क को, कौन सा रिसोर्स बाद में एग्जीक्यूट करेगा, इस टाइप के मैनेजमेंट को भी कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टोरेज मैनेजमेंट, स्टोरेज का मतलब क्या होता है, आपके सिस्टम में जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स होंगे, फाइल्स एंड फोल्डर्स स्टोर्ड इन आवर सिस्टम, उनको मैनेज करने का काम भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप हेडिंग डाल के भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप क्या लिख सकते हो, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फंक्शन नंबर वन, इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो उसका काम भी है, ये इंटरफेस की तरह वर्क करता है बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, इट मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर। किसको मैनेज करता है, फाइल्स एंड फोल्डर स्टोर्ड इन आर कंप्यूटर, जो किसमें स्टोर होते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर होते हैं, इसी को बोलते हैं स्टोरेज मैनेजमेंट, क्योंकि वो फाइल और फोल्डर कहाँ पे स्टोर है, हमारे सिस्टम पे स्टोर है, तो इसी को आप किस हेडिंग के अंदर लिख सकते हो, स्टोरेज मैनेजमेंट के अंदर। फिर तीसरा फंक्शन क्या होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट। द माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, ये जितनी भी रिसोर्सेज आपके कंप्यूटर से अटैच हैं उनको मैनेज करने का काम भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट, इट मैनेज एंड एलोकेट एंड डी एलोकेट द मेमोरी टू द रिसोर्सेज। मैनेज करता है मेमोरी को और एलोकेट और डी एलोकेट करेगा मेमोरी को, किसके लिए, रिसोर्सेज के लिए। और पहला वाला तो मैंने बताया था प्रोसेस मैनेजमेंट, द ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूट, कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा बाद में होगा, तो वो ऑर्डर भी कौन डिसाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इतना पढ़ने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, डेट इज बूटिंग प्रोसेस। ये बूटिंग क्या होता है, देखो बूटिंग का मतलब क्या होता है, आपने अपने कंप्यूटर को स्विच ऑन किया, तो स्विच ऑन होने के बाद में जो स्टार्टिंग के इनिशियल स्टेप्स कंप्यूटर लेगा,
उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। तो बूटिंग का मतलब होता है टू लोड ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू कंप्यूटर। बिना हम ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, वर्क ही नहीं कर सकता, बिल्कुल भी वर्किंग पॉसिबल नहीं है। तो जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, जैसे मान लो आपने यूपीएस को ऑन किया, तो आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाएगी किसके पास में, कंप्यूटर के पास में। तो कंप्यूटर को जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो जो पहला स्टेप कंप्यूटर लेगा वो कौन सा लेगा, बूट करने का। तो बूट का मतलब क्या हो गया, बूट का मतलब हो गया टू लोड ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना कंप्यूटर के अंदर। डेट प्रोसेस इज कॉल्ड बूटिंग। अगर एग्जाम में आता है तो आप क्या लिखोगे, बूटिंग इज अ प्रोसेस और द सेट ऑफ इनिशियल स्टेप्स टेकन बाय द कंप्यूटर व्हेन इट इज स्विच ऑन। व्हेन इट इज स्विच ऑन का मतलब जब इसको स्विच ऑन करते हैं, टू लोड ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू कंप्यूटर, जहाँ पे आप क्या करते हो, लोड करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम को कहाँ पे, कंप्यूटर में। तो देखो इतना पढ़ने से आपको इतना आइडिया तो लग गया होगा कि हर बार जब आप अपने कंप्यूटर को स्विच ऑन करोगे तो हर बार ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं और होगा और आपको उसको उठा के रखना पड़ेगा किसके अंदर, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। मतलब कि परमानेंटली स्टोर्ड नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं और है और हर बार जब आप अपनी मेमोरी को, जब आप अपने कंप्यूटर को स्विच ऑन करोगे, तो जैसे स्विच ऑन करोगे सबसे पहला काम कंप्यूटर क्या करेगा, इनिशियल स्टेप क्या लेगा, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को उठा के कहाँ रखेगा, कंप्यूटर को। यही होता है आपके फ़ोन में, जब आप फ़ोन को रीस्टार्ट या फिर रीबूट करते हो, तो रीबूट का मतलब क्या होता है, आप दोबारा से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कहाँ पर उठा के रख रहे हो, कंप्यूटर के अंदर। तो इसको आज हम समझेंगे कि ये होता क्या। तो व्हाट इज बूटिंग प्रोसेस, बूटिंग इज अ प्रोसेस इन विच द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोड इन टू कंप्यूटर। लेकिन ये डेफिनेशन अभी इनकम्प्लीट है। अब हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चन अराइज हो रहे होंगे कि फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर होता है और फिर हम उसको उठा के रखते कहाँ पर है। तो देखो इनिशियली ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है हार्ड डिस्क के अंदर, आपके कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर स्टोर होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और जब भी आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करते हो या लोड करते हो, तो वो हार्ड डिस्क से कहाँ पर शिफ्ट होता है, कहाँ पर लोड होता है, इन कंप्यूटर में भी कहाँ पर, किसी जगह पर ही तो लोड होगा। और जगह मतलब लोकेशन, लोकेशन मतलब क्या, मेमोरी। तो हम बोल सकते हैं कि मेमोरी में स्टोर होगा, और कौन सी मेमोरी में, मेन मेमोरी, दैट इज रैम। मेन मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो अब इन सारी इन्फॉर्मेशन को हम एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। हमने क्या सीखा, बूटिंग का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना इनटू कंप्यूटर, ये वो पहला स्टेप होगा जो कंप्यूटर उठाएगा व्हेन यू स्विच ऑन कंप्यूटर। जब भी आप कंप्यूटर क्या करोगे, स्विच ऑन करोगे, उठाएगा कहाँ से, हार्ड डिस्क से, कहाँ पर लोड करेगा, मेन मेमोरी में। अब मुझे इन सब कीवर्ड्स को मिला करके अपनी एक अच्छी सी डेफिनेशन बनानी है। तो हम लिखेंगे एग्जाम में, बूटिंग इज अ प्रोसेस और द फर्स्ट इनिशियल स्टेप विच इज टेक व्हेन वी स्विच ऑन आवर कंप्यूटर। ये वो पहला स्टेप होता है जो हम अपने कंप्यूटर में लेते हैं, जब हम अपने कंप्यूटर को क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं। इन दिस स्टेप ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द हार्ड डिस्क इज लोड इन टू कंप्यूटर्स मेन मेमोरी। दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द हार्ड डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम को कहाँ से उठाते हैं, हार्ड डिस्क से, इज लोड इन टू, कहाँ पर लोड करते हैं, इन कंप्यूटर्स मेन मेमोरी, एंड द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी इज रैम। कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है वो कौन सी मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो बूटिंग प्रोसेस में हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को उठा करके रैम में डालना होता है, और इसी स्टेप को हम बोलते हैं बूटिंग, और इसी को बोलते हैं बूट करना। तो बूट करने का मतलब लोड करना ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से रैम के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CUI एंड GUI। अभी मैंने लिख तो दिया बट ये टॉपिक है क्या। देखो सी को भी हम बाद में पढ़ेंगे, UI का मतलब क्या है, यूजर इंटरफेस। यहाँ पे जी को हम बाद में पढ़ेंगे, UI का मतलब क्या है, यूजर इंटरफेस। और यूजर इंटरफेस का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इंटरफेस इज अ वे बाय विच द यूजर इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन। जहाँ पे यूजर किससे इंटरेक्ट करता है, एप्लीकेशन से। तो आपको अगर कोई एप्लीकेशन यूज करनी है तो उसके दो मेथड हो सकते हैं, या तो आप अपनी एप्लीकेशन को यूज़ करोगे CUI में, या फिर आप अपनी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो GUI में। अभी क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है, वो हमारा अब इस टॉपिक का सेशन है। तो सबसे पहले तो व्हाट इज CUI? CUI स्टैंड फॉर करेक्टर यूजर इंटरफेस, करेक्टर यूजर इंटरफेस। ये एक और फुल फॉर्म हमें मिल चुकी है CUI, करेक्टर यूजर इंटरफेस। इसको कमांड लाइन यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। तो आप ध्यान रखना, UI का मतलब तो वही होगा यूजर इंटरफेस, UI स्टैंड फॉर यूजर इंटरफेस।
लेकिन सी का मतलब करेक्टर यूजर इंटरफेस भी होता है और कमांड लाइन यूजर इंटरफेस भी हो सकता है। अब आते हैं जी यू आई पे। जी का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहाँ पे यू आई का मतलब क्या होगा? यूजर इंटरफेस। तो पहला डिफरेंस तो इनकी डेफिनेशन से पहले इनकी फुल फॉर्म्स में है। तो हम लिखेंगे सी यू आई स्टैंड्स फॉर कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस और करेक्टर यूजर इंटरफेस। फिर वॉट इज जी यू आई? जी यू आई स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, अब आते हैं इनकी सेकेंड पॉइंट पे। तो सेकेंड पॉइंट क्या होगा? जैसे इसका नाम बता रहा है, अगर आपको सी यू आई यूज करना है तो आपको क्या याद होनी चाहिए? कमांड। बिना कमांड्स को याद किए आप अपने सी यू आई इंटरफेस को यूज नहीं कर सकते। हम लिख सकते हैं नीड टू लर्न कमांड। आपको क्या लर्न होनी चाहिए? कमांड्स लर्न होनी चाहिए। अगर आपको प्रिंट करना है, ओपन करना है, न्यू करना है, सेव करना है, तो हर टास्क के लिए आपको उसकी कमांड याद होनी चाहिए। कमांड लर्न करने की जो प्रॉब्लम आती है वो किसके अंदर आती है? सी यू आई के अंदर आती है। तो सी यू आई, इफ़ यू आर यूजिंग सी यू आई इंटरफेस, नीड टू लर्न कमांड्स। ठीक है, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यूजर इंटरेक्ट करता है विद एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब कोई भी चीज़ आप जो रन कर रहे हो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे या कंप्यूटर पे, कोई पेंट एप्लीकेशन हो गई, विंडो मीडिया प्लेयर में गाने सुन रहे हो, मूवी देख रहे हो, वो सब क्या एप्लीकेशन है? तो यूज़र अगर इंटरेक्ट करना चाहता है, मतलब ओपन करना चाहता है कोई भी एप्लीकेशन, तो यूज़र जब इंटरेक्ट करेगा या ओपन करेगा एप्लीकेशन को बाय यूजिंग कमांड। तो उसे क्या लर्न होनी चाहिए? कमांड लर्न होनी चाहिए बाय यूजिंग कमांड। तो ये की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सी यू आई स्टैंड फॉर करेक्टर यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। इन दिस टाइप ऑफ इंटरफेस यूजर हैव टू लर्न कमांड्स। यूजर को कमांड्स याद होनी चाहिए। इफ़ अ यूजर वॉन्ट टू इंटरेक्ट विद एप्लीकेशन देन इट शुड द इंटरेक्शन शुड बी बाई यूजिंग कमांड। तो इंटरेक्शन किसके थ्रू होता है? बाई यूजिंग कमांड्स के थ्रू होता है। अगर आप कमांड भूल गए तो आप कोई काम नहीं कर सकते, ये इसका ड्रॉबैक है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपको कमांड लर्न होनी चाहिए, बिना कमांड्स के आप कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। अब इतनी प्रॉब्लम्स हैं कमांड लर्न नहीं कर पा रहे, तो फिर हमने क्या किया? स्विच ऑन किया जी यू आई पे। तो जी यू आई में क्या होता है? नो नीड टू लर्न कमांड। आपको कोई लर्न करने की कोई जरूरत नहीं, नो नीड टू लर्न कमांड। अब जब कमांड्स लर्न नहीं करेंगे तो हम काम कैसे करेंगे? तो काम करने के लिए जो इंटरफेस यूज होता है वो कैसे होता है? यूजर इंटरेक्ट करता है, यूजर इंटरेक्ट विद एप्लीकेशन बाय यूजिंग यहाँ पर क्या लिखा था मैंने? प्रीवियस वाले में मैंने कमांड लिखा था, लेकिन यहाँ पे कमांड्स नहीं है। बाय यूजिंग क्या? तो यहाँ पर आपके आइकन्स होते हैं। जैसे हमें आपको अगर याद दिलाऊं तो सेव का आइकन होता है इस तरीके से, ठीक है, ओपन का आइकन होता है, प्रिंट का आइकन होता है, ये अंडू और रीडू का आइकन है। आपको ध्यान हो तो ये क्या शो करता है? अंडू। ये किसको शो करता है? रीडू को शो करता है। फाइल, न्यू, सेव, ये सारे ऑप्शन तो फाइल के अंदर ही आते हैं। यहाँ पे आ जाएगा इंसर्ट, व्यू, इस तरीके के आपको आइकन्स दिखाई देते हैं ऊपर। तो इसके अलावा बाय यूजिंग आइकन्स, मेन्यू, मेन्यू का मतलब क्या होता है? फाइल पे क्लिक करते हो तो एक मेन्यू ओपन हो के आता है, सेव कर लो, न्यू का ऑप्शन आता है, ओपन का ऑप्शन आता है, सेव एज का ऑप्शन आता है। तो ये सब क्या है? ये मेन्यूज हैं। आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, आपको दिख रहा है। सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा, न्यू पे क्लिक करेंगे तो नई ओपन हो जाएगी, ओपन पे क्लिक करेंगे तो प्रीवियस वाली जो बना रखी है वो फाइल ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर बेनिफिट क्या होता है? आपको कमांड्स लर्न करने की जरूरत नहीं है। यूजर इंटरेक्ट कर सकता है, इंटरेक्ट का मतलब होता है यूज कर सकता है, यूजर यूज कर सकता है एप्लीकेशन को बाय यूजिंग आइकन्स, मेन्यूज, विंडोज और डायलॉग बॉक्स आते हैं। डायलॉग बॉक्स क्या होते हैं? जैसे आपने देखा है अगर आप कोई अपनी एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हो, आपने क्रॉस पे क्लिक कर दिया, तो क्रॉस पे क्लिक करते हुए आपसे पूछता है डू यू वांट टू सेव इट, क्या आप सेव करना चाहते हो? तो पूछेगा डू यू वांट टू सेव इट, अगर आप सेव करना चाहते हो तो आपको तीन ऑप्शन देगा, सेव, डोंट सेव और कैंसिल। तो ये क्या है? ये डायलॉग बॉक्स है। डायलॉग बॉक्स हेल्प करता है आपको इंटरेक्ट करने में। तो ये हमने फीचर कहाँ मिलता है? हमारे जी यू आई में मिलता है। ये फीचर कहाँ नहीं होता? सी यू आई में नहीं होता। इतना सीख लिया कि सी यू आई में हमें कमांड्स लर्न करनी पड़ेंगी, तो ये हमारी प्रॉब्लमेटिक बात है। बिना लर्न किए कमांड हम सी यू आई पे वर्क नहीं कर सकते। लेकिन जी यू आई का क्या है कि इंटरेक्शन के लिए आपको यूज़ कर सकते हो, आइकन्स का, मेन्यूज का, विंडो का, डायलॉग बॉक्सेस का, एटसेट्रा। अच्छा, इसके अलावा भी फोर्थ नंबर का पॉइंट आप देखो तो
सी यू आई में आप अगर इनपुट देने वाले हो तो कमांड टाइप करोगे, टाइप करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, कीबोर्ड की। तो हम लिखेंगे इनपुट डिवाइस जो हम यूज करते हैं सी यू आई एप्लीकेशन के लिए वो होता है कीबोर्ड। तो हम लिख सकते हैं एग्जाम में कीबोर्ड इज यूज एज अ इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड किसकी तरह यूज होता है, एज अ इनपुट डिवाइस की तरह। लेकिन जी यू आई में क्या यूज करते हैं, हमें बस क्लिक ही तो करना है, सेव पे क्लिक करना है, ओपन पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो इनपुट डिवाइस आप यूज करते हो दैट इनपुट डिवाइस इज माउस। अब आप ये मत बोला कि नहीं हम तो कीबोर्ड भी यूज करते हैं, हाँ कीबोर्ड भी यूज कर सकते हो बट मेनली जो काम होता है वो किसका होता है, माउस का। तो यहाँ पे एक पॉइंट डिफरेंस बन गया कि कीबोर्ड इज यूज एज अ इनपुट डिवाइस इन सी यू आई वाइल माउस इज यूज एज अ इनपुट डिवाइस इन जी यू आई। तो ये भी हमारा डिफरेंस हो गया। अच्छा आप मुझे बताओ कि आपको कौन सा बेटर लग रहा है ईजी टू यूज। तो एज यूजल ऑब्वियसली आपको सी यू आई यूज करना थोड़ा टफ लग रहा होगा कि हम कमांड की कैसे याद करेंगे, और जी यू आई यूज करना थोड़ा ईजी लग रहा होगा कि भाई क्लिक ही तो करना है यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं कि सी यू आई को यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, और जिस चीज को यूज करना डिफिकल्ट होता है दैट इज लेस यूजर फ्रेंडली। ये यूजर फ्रेंडली नहीं है, इट इज लेस यूजर फ्रेंडली। और जी यू आई को यूज करना ईजी है तो हम बोलेंगे इट इज मोर यूजर फ्रेंडली, ये यूजर फ्रेंडली होता है। ठीक है, तो मैं आपको इतने सारे पॉइंट्स बता दिए, लेस यूजर फ्रेंडली है, मोर यूजर फ्रेंडली है। अब एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल। तो आप देखो सी यू आई का जो एग्जांपल है, सी यू आई का जो एग्जांपल है वो होता है एम एस डॉस। डॉस की फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओ एस की फुल फॉर्म तो आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम, डी स्टैंड्स फॉर डिस्क। तो जो एम एस डॉस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो किसका एग्जाम्पल है, सी यू आई का। इसके अलावा एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो कमांड लाइन, विंडोज कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडो का जो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी सी यू आई इंटरफेस है। इसके अलावा जी यू आई के एग्जाम्पल मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जितने ऑपरेटिंग सिस्टम आपने यूज किए हैं, आपकी जनरेशन ने यूज किए, वो सारे जी यू आई हैं। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे जो मैंने लिखे थे स्टार्टिंग में, वो सारे किसके एग्जाम्पल हैं, जी यू आई के एग्जाम्पल हैं। तो एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं सारे पॉइंट्स का। हम कंपेरिजन करने वाले हैं यहाँ पे, सी यू आई स्टैंड फॉर कमांड लाइन यूजर इंटरफेस और करेक्टर यूजर इंटरफेस, जी यू आई स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इन दिस टाइप ऑफ इंटरफेस यूजर हैज़ टू लर्न कमांड्स, आपको कमांड याद करनी पड़ेगी, एंड यूजर इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन बाय यूजिंग कमांड, कमांड के थ्रू ही वो इंटरेक्ट करेगा। यहाँ पर क्या आएगा, नो नीड टू लर्न कमांड, आपको कमांड लर्न करने की जरूरत नहीं है, यूजर इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन के साथ में बाय यूजिंग आइकन्स, मेन्यूज, विंडोज और डायलॉग बॉक्सेस। फिर क्या बताया था मैंने, इनपुट डिवाइस इज कीबोर्ड, कीबोर्ड इज यूज एज अ इनपुट डिवाइस, माउस इज यूज एज अ इनपुट डिवाइस इन जी यू आई। जी यू आई में क्या होता है, माउस होता है। इट इज लेस यूजर फ्रेंडली, कमांड यूजर इंटरफेस। इट इज मोर यूजर फ्रेंडली, कौन सा मोर होता है, जी यू आई इज मोर यूजर फ्रेंडली। एग्जाम्पल सी यू आई का एग्जाम्पल क्या होता है, एम एस डॉस या फिर विंडोज कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। और जी यू आई के एग्जाम्पल तो सारे ही, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स, यूनिक्स, किसके एग्जाम्पल होते हैं, ये एग्जाम्पल होते हैं हमारे जी यू आई इंटरफेस। ओके, हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं आपको एक एक करके सारे टाइप्स बता रही हूँ, आप देख सकते हो शॉर्ट में, जब आपको दिखाओ इतने सारे टाइप्स होते हैं, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, द ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलाउ ओनली अ सिंगल यूजर टू यूज अ सिस्टम एट अ टाइम। एक बार में एक ही यूजर आपके सिस्टम को यूज कर सकता है। एग्जाम्पल बहुत ईजी है, आप अपने सिस्टम पे काम करते हो, लैपटॉप पे काम करते हो, पीसी पे काम करते हो, तो आपके सिस्टम में क्या होता है, एक बार में एक ही पर्सन काम कर सकता है, तो वो क्या हो गया, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने मोबाइल फोन को यूज़ करते हो, एक बार में एक ही पर्सन उस मोबाइल फोन को यूज़ कर सकता है, तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा क्या एग्जाम्पल हो सकता है, मैक तो आईफोन के लिए होता है, ठीक है, तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलाउ ओनली अ सिंगल यूजर टू यूज अ ऑपरेटिंग सिस्टम एट अ टाइम या कंप्यूटर एट अ टाइम। एग्जाम्पल विंडो, एंड्रॉयड और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मूविंग टू अ नेक्स्ट, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम।
मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, इट अलाउ मल्टीपल यूजर, जैसे मान लो अगर सिंगल यूजर में एक ही बंदा काम कर रहा था तो मल्टी यूजर में बहुत सारे लोग एक साथ काम कर सकते हैं एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो इट अलाउ मल्टी यूजर, मल्टी यूजर मतलब मल्टीपल यूजर कैन यूज द ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर एट अ टाइम, एक बार में बहुत सारे पर्सन काम कर सकते हैं, एग्जाम्पल यूनिक्स, यूनिक्स एग्जाम्पल होता है, या फिर विंडो 2020 भी किसका एग्जाम्पल है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिर नेक्स्ट है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जैसे अगर मैं प्रोग्रामर हूँ और मेरे पास में बहुत सारे काम है तो मैं क्या करूँगी, उस सारे काम को दे दूंगी किसको, ऑपरेटर को। तो क्या होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी भी जॉब्स होती है या काम होते हैं, टास्क होते हैं, वो ऑपरेट होते हैं बाय इन द फॉर्म ऑफ बैचेस, बैचेस की फॉर्म में ऑपरेट होते हैं। तो होता क्या है कि प्रोग्रामर क्या करता है, अपने टास्क को ऑपरेटर को दे देता है और ऑपरेटर उस टास्क को कन्वर्ट करता है किसमें, बैच में। तो हम लिख सकते हैं एग्जाम में द प्रोग्रामर गिव्स द टास्क टू द ऑपरेटर एंड ऑपरेटर कन्वर्ट दैट टास्क इन टू बैच। वो ऑपरेटर क्या करेगा, उस टास्क का एक बैच बना देगा और बैचेस फिर वन बाय वन क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं एंड एग्जीक्यूट द बैचेस वन बाय वन। तो ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, देखो मल्टी प्रोसेसर और मल्टी यूजर था, तो यूजर में तो एक से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टी प्रोसेसर में एक से ज़्यादा प्रोसेसर काम कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा जब फोन लेने जाते हो तो मान लिखा होता है ऑक्टा कोर। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, ऑक्टा कोर, क्वेड कोर, और जब बहुत पुराने हम फोन यूज करते तो उसमें आता था डुअल कोर, तो डुअल कोर का फोन किसी के पास होगा नहीं, तो डुअल कोर, क्वेड कोर या ऑक्टा कोर क्या होता है, यहाँ पे कोर का मतलब है प्रोसेसर, तो आपके फोन में ऑक्टा कोर है तो मतलब आपके फोन में 8 प्रोसेसर एक साथ काम कर रहे हैं। आपका फोन अगर क्वेड कोर है तो इसका मतलब आपके फोन में 4 प्रोसेसर एक साथ काम कर रहे हैं। जैसे आप मान सकते हो कि आपके घर में 4 सर्वेंट है तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा, और एक ही सर्वेंट है तो काम क्या होगा, टाइम से खत्म नहीं हो पाएगा। तो डुअल कोर का मतलब 2 सर्वेंट, मतलब 2 प्रोसेसर काम कर रहे हैं, तो स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होगी। क्वेड कोर का मतलब 4, क्वेड मतलब 4, तो 4 सर्वेंट अगर घर में काम करेंगे तो स्पीड क्या होगी, जल्दी जल्दी। तो अगर आपके फोन में सिस्टम में क्वेड कोर है मतलब 4 प्रोसेसर एक साथ वर्क कर रहे हैं, ऑक्टा कोर का मतलब 8 प्रोसेसर। तो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या हो गया, मल्टीपल प्रोसेसर कैन वर्क ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम एट अ टाइम, एक ही कंप्यूटर सिस्टम पे मल्टीपल प्रोसेसर वर्क करते हैं, इसकी वजह से जो स्पीड हो जाती है वो क्या होती है, फास्ट हो जाती है। यूनिक्स और लिनक्स इसके एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसमें होता ही है कि आपकी जो जॉब्स होती हैं उसको स्लॉट्स में डिवाइड कर देते हैं, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक एक करके सारी जॉब्स को एग्जीक्यूट तो करता है लेकिन वन बाय वन नहीं करता। वो क्या करेगा, मान लो 10 मिनट के लिए उसने जॉब 1 को एग्जीक्यूट किया, अभी जॉब 1 कंप्लीट नहीं हुई, अब वो कहाँ चला जाएगा, जॉब 2 को, फिर जॉब 2 को भी स्टार्ट कर देगा, फिर अभी जॉब 2 कंप्लीट नहीं तो जॉब 3 पे आ जाएगा, फिर जॉब 3 को भी बीच में छोड़ के फिर वापस से किसको टाइम दे देगा, जॉब 1। फायदा क्या होता है कि आपकी सारी जॉब एक साथ वर्क कर रही है, और ऐसा नहीं कि एक मान लो जॉब 1 अगर 1 घंटे की है तो 1 घंटे तक आपको वेट करना पड़ेगा जॉब 2 के लिए, तो ऐसा नहीं होता। टाइम शेयरिंग में क्या होता है, टाइम जो है वो स्लॉट्स में डिवाइड कर देता है और मल्टीपल जॉब्स के बीच में स्विच करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये सेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो मल्टीपल प्रोसेस को मल्टीपल टाइम पे क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। देखो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम यूज करते हैं बैंक के सर्वर में, या फिर हम यूज करते हैं ऐसे रेलवे का जो सर्वर होता है ना उसमें यूज करते हैं। जैसे आपने एक रेलवे की टिकट बुक करी तो अगर आपने बुक कर ली तो वो सीट अब किसी और को दिखाई ना दे, तो ये जो काम ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बैंक के सर्वर में और रेलवे के सर्वर में हम इसे यूज करते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको क्या करना होता है, तुरंत के तुरंत उस चेंजेस को अपडेट करना होता है क्लाइंट साइड पे और सर्वर साइड पे। नेक्स्ट है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम का मतलब क्या होता है, तुरंत। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जहाँ पे रिस्पॉन्ड टाइम क्या होता है, बहुत कम होता है। आपने इनपुट दिया और जो आउटपुट के बीच का जो रिस्पॉन्ड टाइम है वो बहुत कम होता है, तो ये हम यूज़ करते हैं रोबोट, जितने भी रोबोटिक डिवाइसेस होती हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं, और जितने भी कंप्यूटर एनिमेटेड डिवाइसेस होती हैं उनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये थे हमारे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन आर क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन व्हाट हैपन व्हेन यू बूट द कंप्यूटर। तो हमने पढ़ा था कंप्यूटर को बूट करते हैं तो क्या होता है, व्हेन वी बूट आवर कंप्यूटर देन ऑल द
देन द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द हार्ड डिस्क जस्ट लोड इन टू द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी डेट इज रैम. तो हमारा आंसर हो जाएगा गिव थ्री फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो कोई भी लिख देना मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट या फिर स्टोरेज मैनेजमेंट. इट मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर इन अ कंप्यूटर. इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर आप लिख सकते हो. और क्या लिख सकते हैं, इट मैनेज द रिसोर्सेज, इट हैंडल द ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस विच यूज टू बी एग्जीक्यूट ऑन अ कंप्यूटर. तो कोई भी आप लिख सकते हो ऑल दो आपको नोट्स में प्रोवाइड किया गया है. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन GUI एंड CUI. तो GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. दिन दिस टाइप ऑफ इंटरफेस यूजर इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन बाय यूजिंग विंडोज आइकन्स मेन्यूज. दिस इन दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन यू नो नीड टू लर्न द कमांड्स एंड इट इज मोर यूजर फ्रेंडली. और क्या होता है, इट इज माउस इज यूज एज अ इनपुट डिवाइस, या आप लिख सकते हो. CUI में क्या होता है, कीबोर्ड यूज होती है इनपुट डिवाइस की तरह. लेस यूजर फ्रेंडली है, नीड टू लर्न कमांड है, स्टैंड फॉर कमांड लाइन इंटरफेस और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस. एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलाउ मोर देन वन पर्सन टू वर्क ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम एट द सेम टाइम. आपको इन सब में से छांटना है वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीपल यूजर को सेम टाइम पे काम करने देते हैं. तो आप देखो एक हो जाएगा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे मल्टीपल यूजर सेम टाइम पे काम कर सकते हैं. इसके अलावा हो जाएगा टाइम शेयरिंग. टाइम शेयरिंग में भी मल्टीपल यूजर सेम टाइम पे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बैच प्रोसेसिंग. तो बैच प्रोसेसिंग क्या होती है, इन दिस टाइप ऑफ प्रोसेसिंग द प्रोग्रामर लीव द प्रोग्राम टू द ऑपरेटर. प्रोग्रामर अपना प्रोग्राम किसको दे देता है, बैच ऑपरेटिंग में ऑपरेटर को. एंड द ऑपरेटर कन्वर्ट द प्रोग्राम इन टू बैचेस एंड द परफॉर्म द बैचेस वन बाय वन. तो ऑपरेटर क्या करेगा, उस बैचेस को प्रोग्राम्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, बैचेस में, और वन बाय वन उन बैचेस को एग्जीक्यूट करता है. तो ये हमारा था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. इसके अलावा कुछ फुल फॉर्म जो आपको याद रखनी है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OS ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI, GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. तो ये हमारे कुछ फुल फॉर्म थी. रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. इसके साथ आपकी बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए, जो आपको ऑलरेडी ऐप पे सेंड कर दिए हैं, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हो.